हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम, और आज हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड आज मैंने टॉपिक उठाया है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। तो इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम के लिए, वो डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। ठीक है, तो एक बार रिमाइंड करवा दूं हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सारे ही अकाउंट्स के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स एक एक करके पिक कर रहे हैं और उनको डिटेल्स में समझते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो आज के लिए टॉपिक है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। चले फिर, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर अरुण जिंदल के नाम से चैनल है। और आपके लिए गुड न्यूज है, एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐप लॉन्च कर दिया गया है, जहां पे आपको डेली क्विजेज, टॉपर स्ट्रेटेजीज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम अपडेट्स, लाइव वीडियो सेशंस और मंथली जीके प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से अनु जिंदल पे जाइए, वहां पे बाय कोर्सेज पे जाके ईएसआई सेक्शन पे जाके कोर्स में एनरोल कर लीजिए। वहां पे सारे ही वीडियोस और पीडीएफ डिटेल्ड में अवेलेबल हैं। तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस क्या है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ईपीएस, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स इज डिवाइडेड बाय। अगर हमें ईपीएस कैलकुलेट करना होता है तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स को किससे कैलकुलेट डिवाइड किया जाता है। क्या ऑप्शंस हैं, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और नन ऑफ द अबव। देखो हमारा आज का टॉपिक क्या है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, है ना। अब सबसे पहले ईबीआईटी क्या होता है। ईबीआईटी होता है हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कंपनी की अर्निंग बिफोर पेइंग एनी इंटरेस्ट और टैक्स। जब हम कंपनी की ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर लेते हैं, मतलब वो अर्निंग्स में से हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स, या फिर मैं बोलूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर जो अर्निंग्स बच गए या प्रॉफिट्स बच गए, उसमें से कंपनी क्या करती है, टैक्सेस पे करती है। क्या करती है, टैक्सेस पे करती है। और टैक्सेस पे करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो बचती है हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या अमाउंट बचती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कंपनी करती क्या है, सबसे पहले पे करेगी अपने प्रेफरेंस डिविडेंड, और जो अमाउंट बच गई ये है हमारा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स। मतलब जो अमाउंट एंड में बच गई वो डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स के लिए, मतलब वो बचा होता है इक्विटी शेयर्स होल्डर के लिए। और जो हमारा ईपीएस निकलता है, जो हमारा ईपीएस निकलता है वो कैसे निकलेगा, ईपीएस निकलेगा कि जो उनके लिए प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स, उसको हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जितने इक्विटी शेयर्स के नंबर होंगे उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स को, मतलब जो प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर्स के लिए, तो हमारा आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। देखो सिंपल सी भाषा में समझें तो इतना प्रॉफिट अवेलेबल है बांटने के लिए, हमने डिवाइड कर दिया कितने शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास, तो पर शेयर पे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, तो वही होता है हमारा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हाट विल बी द ईबीआईटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट। फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, एबीसी लिमिटेड इज कंसीडरिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ
10,000, उसमें एक प्लान है या उसके पास कि इक्विटी शेयर्स के थ्रू ले ले 10 लाख पूरा 100 रुपीज ईच वाले, या फिर प्लान भी है 50% डिबेंचर्स इशू कर दे 5 लाख के प्लस इक्विटी शेयर्स इशू कर दे 5 लाख के, टैक्स रेट एज्यूम करना है 30%। तो हमें जो मेन पॉइंट निकालना है इधर वो निकालना है फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट पे ईबीआईटी। तो पहला क्वेश्चन तो माइंड में अराइज होता है कि सर ये फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है। फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे दो प्लान के ईबीआईटी, मतलब वो ईबीआईटी जहां पे दो प्लान के ईपीएस सेम हो, दो प्लान के ईपीएस सेम हो, मतलब वो पॉइंट ऑफ ईबीआईटी। ईबीआईटी अभी हमने सीखा क्या होता है, वो पॉइंट ईबीआईटी के जहां पे ईपीएस सेम हो, मतलब अगर दो प्लान्स हैं कंपनी के पास, ऐसा ईबीआईटी का पॉइंट जहां पे अर्निंग्स पर शेयर दोनों में ही सेम आए, वो हमें निकालना है। तो सिंपल सा बात है, हमें ईबीआईटी निकालना है, और हमें पता क्या है, ईपीएस जो होंगे दोनों प्लान के, ईपीएस जो होंगे दोनों प्लान के वो बिल्कुल के बिल्कुल सेम होंगे। और ईपीएस को कैलकुलेट करना हमने अभी पीछे सीखा, कैसे सीखा हमने, ईबीआईटी में से सबसे पहले क्या माइनस करा, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करी, और उसके बाद उसमें से टैक्स पे किया। लेट सपोज प्रेफरेंस डिविडेंड की बात ऊपर नहीं हो रखी, तो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को इग्नोर मारा भी, और अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स यही करा। सिमिलरली अगर मेरे को बी का ईपीएस निकालना होगा तो ईबीआईटी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमें एक पॉइंट निकालना है ईबीआईटी का जिसपे दोनों के ईपीएस सेम हो। तो ईबीआईटी जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी प्लान बी की इनटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन में जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे बी के। अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा सारी अमाउंट तो मेरा ईबीआईटी निकल जाएगा इजिली। तो हमें ईबीआईटी निकालना है फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट पे। देखो ईबीआईटी की वैल्यू नहीं पता मुझे, ये कैलकुलेट करनी है। तो लेट सपोज मैंने ईबीआईटी ले लिया एक्स। अब प्लान ए में इंटरेस्ट पेमेंट कितनी होगी, जो हमारा प्लान ए गिवन है, प्लान ए क्या गिवन है, 10 लाख रुपीज जो हम रेस कर रहे हैं, ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, वो पूरे के पूरे इक्विटी शेयर्स के थ्रू है। जब सर इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही सारा पैसा रेस हो रहा है तो इंटरेस्ट पेमेंट का तो मतलब ही नहीं बनता। तो इंटरेस्ट की अमाउंट क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, फिर 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट कितना दे रखा है 30%, तो 0.3 अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100 रुपीज का एक शेयर है, टोटल अमाउंट 10 लाख रुपीज है, तो 10,000 शेयर्स हो गए हमारे। ठीक है, सिमिलरली अब प्लान बी का देखूंगा, ईबीआईटी को मैंने एक्स ले लिया, मतलब सेम ईबीआईटी निकालना है। इंटरेस्ट पेमेंट यहां पे है 15% डिबेंचर्स 5 लाख के, तो 10% कितना हो गया 50,000, और 5% कितना हो गया 25,000, तो इंटरेस्ट हो गया 75,000 रुपीज का। ठीक है, टैक्स रेट है मेरा 1 माइनस 0.3 अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स, यहां पे जो इक्विटी रेस करी गई है वो करी गई है 5 लाख की, और मैं अगर मान लू 100 रुपीज का ही शेयर है तो ये कितने शेयर्स हो गए, 5,000 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 5,000। तो अब मेरे को सिर्फ करना क्या, कैलकुलेशन करके एक्स निकालना है। देखो ये हमारा आ गया 2, ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया, तो ये बच क्या गया, एक्स बाय 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7,50,000, 7,50,000। 2 को उधर ले गया, मैं फर्दर कैलकुलेशन ऊपर कर रहा हूं, इधर आ जाओ देख लो। तो x को 2 को उधर ले गया, तो 2x माइनस 1,50,000, और ये 75,000 था, 75,000। ठीक है, तो 1,50,000 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2x इधर गया और ये 1,50,000 इधर आ गया, तो 1,50,000 इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो हमारा ईबीआईटी आ गया वो आ गया 1,50,000। मतलब एट 1,50,000 ईबीआईटी दोनों ही प्लान में जो अर्निंग पर शेयर रहेगी वो सेम रहेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1,50,000 रुपीज। दोबारा समझ लो, फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब वो ईबीआईटी जहां पे दोनों ही प्लान के ईपीएस सेम। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस एनालिसिस चार्ट इज यूज्ड फॉर, जो हमारा ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस चार्ट होता है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। द ऑप्शंस आर इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ बिजनेस रिस्क ऑन ईपीएस, एग्जामिनिंग ईपीएस रिजल्ट्स
for alternative financial plan at varying EBIT level, determining the impact of a change in sales on EBIT, is showing the change in EPS quality over time. In sum में से कहाँ पे हमारा use होता है EBIT, EPS in difference analysis chart? कौन सा हमारा main reason होता है? तो जल्दी से एक बार हम नजर डाल लेते हैं EBIT EPS चार्ट पे. ये हमारा चार्ट होता है. इधर हम देखते क्या हैं EBIT EPS चार्ट में, हम देखते क्या हैं EBIT EPS चार्ट में, हम देखते हैं कि एक सर्टेन लेवल ऑफ EBIT पे, एक सर्टेन लेवल ऑफ EBIT पे कंपनी कितना EPS चार्ज कर रही है अंडर डिफरेंट प्लान्स. यही था कि लेट सपोज अगर कंपनी की EBIT कोई कुछ अमाउंट एक्स, तो उस पे कंपनी अगर ये वाला प्लान ऑप्ट करती है इक्विटी फाइनेंसिंग वाला, तो उस पे उसको कितना अर्निंग पर शेयर होगा, ये हम एनालाइज करते हैं अपने इस चार्ट से. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्जामिनिंग ईपीएस रिजल्ट्स फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स एट वेरिंग ईबीआईटी लेवल. मतलब डिफरेंट डिफरेंट ईबीआईटी लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स के लिए ईपीएस कितना होगा, वो हम एनालिसिस करते हैं इस चार्ट से. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, एक बार फिर से देख लो. मान लो अगर ये प्लान ईबीआईटी है और मैं देख डेट फाइनेंसिंग कर रखी है, तो मैं डेट फाइनेंसिंग पे देखूंगा कि ईपीएस कितना अवेलेबल है. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल ऑफ ईबीआईटी इज वन एट विच ईपीएस इज. अब ये हमारा एक और कंसेप्ट आया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल. पहले इंडिफरेंस लेवल था, अब ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल. पहला क्वेश्चन, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल का मतलब क्या होता है. देखो हमने बहुत जगह पढ़ा होता है ब्रेक इवन पॉइंट, पढ़ा होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, चलो ये बता दो. जब हमने कॉस्टिंग में भी ये पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट, अगर किसी ने कॉस्टिंग पढ़ी हो तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पे कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो जीरो हो, मतलब जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो उसकी उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो पूरी की पूरी कवर कर पा रहा है. तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पे कंपनी का प्रॉफिट कुछ ना हो और ना ही लॉस हो, मतलब जो उसके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो पूरे के पूरे कवर हो रहे हैं. अब मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूं, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का भी सेम मतलब है कि कंपनी का जो ईपीएस है वो जीरो है, मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो कुछ नहीं अर्न कर पा रहे, मतलब ना अर्न कर रहे हैं ना ही लॉस हो रहा है. कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वो कंपनी पूरे के पूरे कवर कर पा रही है, वो होता है हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल. ठीक है, मतलब कंपनी कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, ये सारे के सारे कंपनी इजिली कवर कर पा रही है और उतने ही कवर कर पा रही है, इससे ज्यादा नहीं कर पा रही. तो इससे होगा क्या, सारी की सारी अमाउंट जो अर्निंग्स हो रही है वो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड में जा रही है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कोई भी प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो हमारा ईपीएस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो अगर मेरे को फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल निकालना हो, मुझे फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट हो गई प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करा है तो वो अपॉन में वन माइनस टैक्स रेट, ये अमाउंट जो होगी वो होगी हमारी फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल की अमाउंट, वो अमाउंट होगी हमारी फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल की पॉइंट. अब कईयों के माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा, सर कि ये वन माइनस टी क्यों किया, इंटरेस्ट के नीचे क्यों नहीं किया, तो याद कराओ अभी हमने बात करी थी, जब प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाता है तो वो किसके बाद पे करा जाता है, टैक्स पे करने के बाद, और इंटरेस्ट हमारा टैक्स से पहले दिया जाता है. लेट सपोज मेरे को अपना प्रेफरेंस डिविडेंड देना है 100 रुपीज का, अगर मैं 100 रुपीज अर्न करूंगा तो क्या मैं अपने प्रेफरेंस डिविडेंड को पे कर पाऊंगा, इसका आंसर आता है नो. क्यों, पहले मेरे को अपनी अर्निंग्स में से कुछ टैक्स माइनस करना पड़ेगा, जो अमाउंट बचेगी वो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को दे सकता हूं सिर्फ. तो मेरे को इस अमाउंट पे पहुंचने के लिए, इस अमाउंट पे पहुंचने के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड से 1 माइनस टैक्स को डिवाइड करना है. ठीक है, और जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट होती है, इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है हमारी वो टैक्स से पहले होती है, सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा हमने, वो टैक्स से पहले होती है, इसलिए उसको टैक्स से डिवाइड नहीं किया जाता, 1 माइनस टी से डिवाइड नहीं किया जाता.
अब अपने क्वेश्चन पे वापसी आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल पे ईपीएस कितना होता है? बहुत सिंपल सी बात, ईपीएस होता है हमारा जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीरो। चले अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, इन ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस इफ आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज फेवरेबल, द ईपीएस विल इंक्रीज, ईपीएस विल डिक्रीज, ईपीएस विल रिमेन कॉन्स्टेंट और नन ऑफ द अबव। जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट है और फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है, तो हमारा ईपीएस क्या होगा? जल्दी से बता, सोचो, हमारा ईपीएस इंक्रीज होगा, ईपीएस डिक्रीज होगा या कॉन्स्टेंट रहेगा या इनमें से कुछ भी नहीं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईपीएस विल इंक्रीज। देखो रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट्स और फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है, तो ईपीएस क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर आरओआई कम होता है तो ईपीएस डिक्रीज करता है, और आरओआई इक्वल होता है तो वो कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, समझ आ गया। अब हमने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको चेक करना है एज यूजुअल कि 5 में से आपके कितने सही हुए हैं, 5 में से आपके कितने सही हुए हैं। अगर मैक्सिमम सही हुए हैं तो आप नेक्स्ट टॉपिक को कवर करो, अगर मैक्सिमम गलत हुए हैं तो आपको इस टॉपिक को रिविजिट करना है और इसे दोबारा पढ़ना है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है, क्या क्वेश्चन है, इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी इज 1 एट विच ईपीएस 0, ईपीएस इज मिनिमम, ईपीएस इज हाईएस्ट, मतलब इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। देखते हैं किसका आंसर सही होता है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी पे ईपीएस क्या होता है, जीरो होता है, मिनिमम होता है, हाईएस्ट होता है या नन ऑफ द दिस? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट सेशन पे, कब, थर्सडे को 2 बजे, थर्सडे को 2 PM ही। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।